हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं और अब हम चैलेंज करने वाले हैं कि हम दोनों स्टूडियो में रहेंगे 24 आवर्स के लिए और स्टूडियो से बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखते हैं जो भी होगा। पीयूष भी मेरे साथ में ही रहेगा, यहीं पे सोएंगे। बाहर की दुनिया देख लो पहले, लास्ट बार। नहीं, बाहर नहीं जाना भाई, अब बाहर नहीं जाना। 9 बज गए हैं अभी। 9 बजे से कल रात के 9 बजे तक हम स्टूडियो से बाहर नहीं निकलेंगे। खाएंगे भी यहीं, सब कुछ यहीं पे रहेगा फिलहाल। अभी तो मैं आज के व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ। अभी नीचे से खाने के लिए बुलावा आएगा ना, तब खाना ले आएंगे ऊपर। फिलहाल तो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो खाना अपना आ चुका है, भिंडी और पनीर बना है और रोटी। तो चलो मैं अब डिनर करता हूँ और आपसे फिर मिलता हूँ डिनर के बाद। तो गाइस अभी डिनर तो हो गया है और देखना ये है कि बाकी सब तो ठीक है। हमारे सोने का एडजस्टमेंट देखना है क्योंकि ये बेड पे हम दो जने सोएंगे, यहीं पर सोना पड़ेगा ना दोनों को। तो मम्मी जी आ चुकी है दूध लेके। अरे हम चैलेंज कर रहे हैं ना। क्या चैलेंज? 24 आवर्स इन स्टूडियो, 24 घंटे हम स्टूडियो में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? चैलेंज है पीयूष और मैं। अरे होता ही है। ओलू और ये भी आ गई है। आज तीनों भाई एक साथ रहेंगे रात भर, मजा आएगा। चारपाई? अरे सो जाएंगे इसी में। नहीं, इसमें नहीं होता। ओरियो भी आता है, वो बाहर फोल्डिंग है ना, वो इसके लिए लगा दे यहाँ पे, अब आराम से सोए रहेगा। हाँ सही कह रहे हो, दिक्कत हो जाएगी इसमें। अरे नहीं होती मम्मी। होती है ना बेटा, क्यों नहीं होती, कितना है ये देखियो। तो अभी एडिटिंग कर रहा था, थोड़ा बहुत रह गया बस काम। भूल के भी बाहर नहीं जाना मम्मी। सुबह का खाना, दिन का खाना, कल रात का खाना। कल रात को 9 बजे हमारा चैलेंज खत्म होगा, तब तक हमको बाहर नहीं निकलना है यहाँ से। तो चारपाई आ चुकी है, पीयूष इसमें सो जाएगा। अरे सुनो, मैं सो जाऊंगा, ऐसे सोऊंगा। अरे मम्मी सो जाऊंगा, कंबल बिछा रही मम्मी। वाह यार सही लग रहा है, दोनों के दोनों सेम बेडशीट है। और ये कभी यहाँ आ जाएगा कभी यहाँ। तो अभी टाइम हो गया 11:35 और पोपट हो चुका है। एसी का फ्यूज उड़ गया बिकॉज अभी बारिश आई थी ना आज, तो एसी अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही इसमें से, तो कैसे रहेंगे रात को। पंखा चलाना पड़ेगा यार, बट बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। रात के 2 बज गए गाइस, अभी तक नहीं सोया है। गर्मी हो रही है यार, क्या करें, बाहर भी नहीं जा सकते। पंखा चल रहा है बट स्टिल मेरे को इतने पसीना आ रहे हैं ना बिकॉज यहाँ पे गर्मी होती है, तो सारा मूड खराब हो गया इस एसी की वजह से। एसी ठीक रहता ना तो रूम ठंडा रहता। सुबह उठ के पहले तो एसी ठीक करवाना भाई। ओढ़ क्यों रहा तू, पागल तो नहीं है, इतनी गर्मी में ओढ़ रहा है। तो अभी ये चारपाई हमने खिसका दिए यहाँ पे पंखे के नीचे, तो दोनों यहीं पे सो जाएंगे इस चारपाई पे ही दोनों। अच्छा हुआ जो ये वाली लगा दी भाई, जगह दे दे मेरी। हाँ चलो, पतला सा तो है तू। हे गाइस, अभी सुबह के बज गए 11:22, अब उठे हैं। पीयूष भी उठ चुका है। वैसे मैं 9 बजे उठ गया था, फिर कमेंट के रिप्लाई करते करते अपने आप नींद मेरी लग गई और अब उठे हैं। फिलहाल उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। यही था ब्रश। हाँ ये मम्मी ब्रश देने आई है बिकॉज ये ब्रश ही नहीं लेके आया भाई। चैलेंज करने से पहले ना सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कपड़े भी नहीं लेके आया। पीयूषी एक काम करे, साथ में नहाए आज, पानी मारेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये जस्ट नहा के आया और नहा के आते ही देखो खाने लग गया। ये कपड़े तो डाल लेता, मैं देखिए खाने में है आज बहुत सारी चीजें यार, इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। ले हमारे कपड़े डाल दे बाहर, हमको तो बाहर जाना नहीं है, यहाँ तक जाएंगे बस, यहाँ से आगे नहीं आऊंगा। बाहर आ सकते हो क्यों, वीडियो में ना दिखाना। नहीं ऐसे थोड़ा ना, वीडियो में ना, नहीं ऐसे चीटिंग नहीं करनी भाई। एसी ठीक करने वाले तो पता नहीं कब आएंगे, तो मैंने सोनू भैया को बुलाया, सोनू भैया को भी आता है ठीक करना, तो सोनू भैया कर देंगे, वो आ गए फिलहाल नीचे। कर दो एसी ठीक हमारा, कंफ्यूज बोल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है यार। तो सोनू भैया ने ठीक कर दिया है, होपफुली चल जाए अब एसी। अगर चल गया तो इसी बात पे आपको तरबूज खिलाएंगे हम, नहीं चला तो भी खिलाएंगे। चल गया, चल गया, चलो इसी बात पे एक तरबूज खा लो भाई। ओ वाह, अब भाई ठंडी हवा। क्या एकदम बिल्कुल बोरिंग डे जा रहा है ये, तो अपना आईपैड में लगा हुआ है, बस होमवर्क करने का सामान ले अपना, बस बैठे बैठे हमको भूख ही लगे जा रही है और खाए जा रहे हैं हम कुछ ना कुछ कुछ। अरे तू पूरा ही उठा के ले आया, रख दे नीचे, रख दे नीचे, रख दे नीचे, रख खाएंगे, जितना खाना है उतना ही निकालियो। ओलू चावल खाएगी लड़की, तो आज बनाया मस्त छोले चावल, मजा आ जाएगा बहुत टाइम के बाद। देख के मुंह पानी आ रहा है मेरे तो। बाय द वे साहिल भी यहीं आ गया, इसने भी नहीं खाया अभी तक। बाय द वे जो हमारा दिन है वो इतना बोरिंग जा रहा है, इतना बोरिंग जा रहा है ना, गर्मियों के दिनों में समझ में नहीं आ रहा करे क्या। वैसे हमने कोई ज्यादा प्लान नहीं किया, करने को तो कर सकते थे, बट एक नेचुरल वीडियो होती है ना, नेचुरल वीडियो। अगर हम 24 आवर्स के लिए स्टूडियो में रहेंगे तो कैसे रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा मतलब। तो खाना खाने के बाद पियेंगे मौसमी का जूस जो कि घर पे ही निकाला था बिल्कुल प्योर, तो पीयूष ने भी ले लिया है। अब साहिल को सारा सामान नीचे लेके जाना पड़ेगा, साहिल परेशान हो गया ना कल रात को भी, दिन में भी, सुबह भी, सारा सामान नीचे ऊपर यही कर रहा है। बाय द वे मौसमी खत्म होने वाली है, ये पूरा भर के लाए थे हम 20 किलो,
तो इसमें से इतनी सी बची है, हम रोज बना के पी रहे हैं फाइनली सुबह से। अब जाके ये होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। वही मम्मी ने जब इसको इतनी डांट मारी तब इसका ऊपर रहने का कोई फायदा नहीं है। नीचे आप डांट के रखो इसको अपने साथ में, तब भी होमवर्क करेगा, ऊपर नहीं करता ये होमवर्क। मैंने सुबह से कह रहा था वो कर ले कहने दे, मैं सुबह से कह रहा था मम्मी, फिर उठ गया। मम्मी जी इसको बहाना चाहिए बस, जब होमवर्क करेगा तो हर 10 मिनट में पानी पिएगा, बहाना चाहिए इसको होमवर्क नहीं करने का। हाँ बोतल भर के अपने पास रख ले, सही कह रहे हैं पापा, जरूर थोड़ी ना बार बार यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है पानी पीने, बार बार यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है पानी पीने। ओए बिस्किट छुपा एक बार मेरे को दे, बिस्किट दे जल्दी, एक ही बिस्किट पड़ा है। मम्मी एक ही बिस्किट है, तेरे को ओरियो दूंगा, पीछे ओरियो, तेरे को ओरियो दूंगा, दे मेरे को ये बिस्किट, ओरियो से भी ज्यादा अच्छा लगता है भाई। नवीन भी आ गया, एक ही पैकेट लियो, सिर्फ एक ही, एक साल दे दियो बस, ओरियो को मत दियो, ये ओरियो मत दियो, ओरियो को बस छोड़ दिया होमवर्क, ओरियो मत खाइयो। हाँ मेरी चाय तो दे दो, और है भी देख थोड़ी सी चाय है यार। तो अभी ये कुछ कुरियर्स आए थे तो हम यहीं पे स्टूडियो में बैठ के इनको अनबॉक्स कर लेते हैं। 3 कुरियर हैं, ये मिंत्रा से आया है, अरे बेडशीट है ये तो, खोल के देख ना। नहीं नहीं बेडशीट है, साड़ी क्यों आएगी यार, साड़ी आपके लिए नहीं यार। किसी ने भेजी होगी भाई सब्सक्राइबर ने, अच्छी लग रही मस्त है यार, बहुत बढ़िया है। मम्मी जी पहन के दिखाना। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ओए ओरी छोड़ इसको, मम्मी ओरी को बोल छोड़ दे, पागल है। मुझे लगा बेड शीट है, अच्छी लग रही है साड़ी, है ना, सूट करेगी आप पे। कब डाल के दिखाओगे बोलो, अभी अभी डाल दें थोड़ी देर में, ठीक है। फ्रॉम पारुल क्रिएशन ने भेजा ये वाला। हेलो सौरभ जोशी व्लॉग, सौरभ भाई मैंने मेरे कांग्रेचुलेशन फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर। ये एल्बम मेरी मम्मी ने बनाई है। अच्छा कोई एल्बम है? ओ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वाह कितनी मस्त लग रही है, हैंडमेड है पूरा। अरे वाह इसमें तो मम्मी भी है, पीयूष भी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, ध्यान से कहीं कुछ गलती ना हो जाए, टूट फूट ना जाए। ये ड्रीम के अंदर हो रही है, देखो ये कितना मस्त लग रहा है। और इसमें है, इसमें फिर छोटी छोटी फैमिली इज एवरीथिंग। अब इसको खोलते हैं, ये देखो इसके अंदर भी है बहुत कुछ, उल्टा कर ऐसे करो, ये देखो इसके अंदर भी फोटोज हैं बहुत सारी। ये डिजाइन जो बनाया है ना, इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा होगा। बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए 5 मिलियन का, जो कि हैंडमेड है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी बनाने में। थैंक यू सो मच, सो दिस इज फ्रॉम पारुल क्रिएशन, थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए हमारे लिए। अब लास्ट चीज को अनबॉक्स करते हैं। तो ये है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर, रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, इस तरह से हाफ कर दो अपने आप सैनिटाइजर निकलेगा। ये सेंसर है, सेंसर लगे हैं इसमें। थैंक यू अमन भाई भेजने के लिए। चलो कैसे यूज करते हैं इसको ये तो बताओ, इसमें डालो पहले वो सैनिटाइजर की जगह हम पानी डाल रहे हैं। वाह बस 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 भाई इतना बस, ज्यादा मत डाल। अरे रुक जा यार क्यों डाल रहा है, कुछ नहीं आया भाई, बंद तो करो उसको ऊपर से। आ गया कोई, आ गया भाई साहब, वाह कितना मस्त है, कर ओ ये भाई तो सही है। हाथ नहीं लगाना, पैर क्यों लगा रहा है? सिर से नहीं आएगा, सिर से भी आ गया। ओ यार खेल रहे यार, खेलने की चीज थोड़ी ना है, तुम खेल रहे हो तो ये हाथ धोओगे ना, पानी डालो। लो फोड़ने, मम्मी का फेवरेट है ये, कुछ भी कुरियर आए मम्मी को तो ये चाहिए है। तो बाहर मौसम काफी बढ़िया से लग रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है बट नहीं जा सकते 9 बजे से पहले, तो अभी टाइम हो गया है 7 मतलब 2 घंटे बाकी है हमारे पास, ओनली 24 आवर्स इन आवर स्टूडियो। तो जो साड़ी आपने भेजी थी मम्मी ने डाल लिया है, तो काफी सही लग रही है, देखो मुड़ना मम्मी दिखाओ तो सही, साड़ी अच्छी लगती है आप साड़ी में बहुत, साड़ी डाल रखो। हाँ तो अभी हम शो ऑफ कर रहे थे एप्पल का, तो हमने सारे एप्पल हमारे इस तरह से लगा दिए यहाँ पे, कवर उतार के काफी अच्छा सा लग रहा है। पता नहीं एप्पल में ऐसा क्या है कि मतलब देख के अच्छा सा लगता है, जैसे अभी ये सारे एप्पल के प्रोडक्ट है ना, इनको देख के अच्छा सा लग रहा है। अभी पापा जी और साहिल को भी लेना है, पापा जी का फोन अभी सही चल रहा है,
तो पापा जी को भी नहीं दिलाएंगे और साहिल को भी नहीं। बट एट द एंड पूरी फैमिली एप्पल पे ही आएंगे, बिकॉज जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत मस्त है, शेयर करना, कैमरा वगैरह सब कुछ, सिक्योरिटी सबसे मेन तगड़ी है, तो इसीलिए। तो अभी 7:55 हो गए हैं, तो ओनली अराउंड एक घंटा बाकी है, उसके बाद चलेंगे बाहर, बाहर की हवा खाएंगे। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा बाकी है पीयूसी बाहर जाने के लिए, और अभी हम फिलहाल खाएंगे मक्का, बिल्कुल गरम गरम है, पापा जी बना के लाए हैं। डिनर करने तो नीचे आएंगे हम, ठीक है, 9 बजे के बाद ही करेंगे डिनर। तो गाइस 9 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट बाकी हैं, तो तब तक हम थोड़ा बहुत डांस करते हैं। यार बंद क्यों हो गया? तो फाइनली पूरे 24 घंटे के बाद हम बाहर निकल गए। ओए बाहर तो गर्मी हो रही है यार, अंदर ठंडा था। वापिस चलो अंदर भाई, वापिस पता भी नहीं चला, मतलब 24 घंटे कैसे निकल के मजा आ गया। लास्ट में तो मजा आएगा डांस करके। तो अभी का सीन ये है कि हमारा चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका है, और सुबह से मैं इतनी, मतलब सुबह से तो नहीं, जब से भी आ रही हूँ, मैं इतनी देर से रोक के बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को इंग्लिश वाली पसंद नहीं है, मेरे को दो नंबर आ रखे हैं। तो अब मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद, बाय। तो अभी चलते हैं नीचे डिनर करने के लिए, बुलावा आएगा तब जाएंगे, फिलहाल अभी तो यहीं बैठे हैं। बाकी पता ही नहीं चला है 24 घंटे कैसे निकल गए, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत मन करा था बाहर जाने का, चैलेंज कंप्लीट कर दिया। कोई ज्यादा उतना मुश्किल चैलेंज नहीं था ये, बट स्टार्टिंग के हिसाब से ठीक है, इसके बाद और मुश्किल मुश्किल करेंगे, गाड़ी वाला भी करेंगे कि गाड़ी में हम 24 आवर्स रह सकते हैं नहीं रह सकते, और भी देखेंगे। बाकी उतना मजा नहीं आया, बिकॉज मैं नेचुरल वीडियोस बनाता हूँ, मैं इस तरह से प्लान वीडियो नहीं बनाता। प्लान तो ये भी नहीं थी, बस ये प्लान था कि हाँ 24 आवर्स के लिए स्टूडियो में रहेंगे, बाकी जो भी हुआ सब रैंडमली था, कुछ हमने प्लान नहीं किया था। बट फिर भी बीच बीच में इस तरह की वीडियोस बनाएंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो गाइस अभी नीचे आ चुके हैं, और आज खाने में बनाया है दलिया। तो अभी रात के हो गए 1:41, अब जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है, और आज फिर से पपट हो गया है। कल तो मेरा एसी खराब था इसलिए नहीं चला पाया, और आज लाइट नहीं है तब से, मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं फैन चला के एडिटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने टी शर्ट भी उतार दी, बट स्टिल मेरे को फिर गर्मी लग रही है। बट एडिटिंग तो करनी थी, तो मैं ईयरफोन लगा के एडिटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज फैन की आवाज़ आती है तो फिर पंगे ही पंगे हैं। बट चलो जो भी है, पीयूष को नीचे भेज दिया था मैंने, और बस बाकी आपने देख लिया चैलेंज कैसा हुआ। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चारों साइड फोटोज ही फोटोज हैं, और बीच में कितना प्यारा लग रहा है। चुप हो जा, क्या ले इसको, बाहर कर दे, बाहर जाके और भूखेगा वो, पकड़ लेंगे बस। तो गाइस जो ये चीज है ना, ये है तो छोटी, कर लो पागल यार, तब अंदर ठीक है।